दुनिया भर में हम फैलाते खुशियों के रंग, आओ तुम भी जुड़ जाओ, उड़ जाओ के संग, उड़ जाओ के संग। नमस्ते अंकल, स्टूडेंट्स हो यहाँ पे जाइए, बाकी के लोग भाड़ में जाइए। धन्यवाद। मैं लड़की के बाजू बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। जाना सारे मोटे, मैं बैठूंगा भाई। हट। मैं ही बैठूंगा। अर्जुन ही द्रौपदी को पटाके लाया था। एजेंट ध्रुव। बोलो एजेंट अर्जुन। किसी भी लड़की के बाजू में जगह खाली नहीं है। लगता है आज भी एक दूसरे की पुरानी शक्ल देख के काम चलाना पड़ेगा। ओवर एंड आउट। इन आता, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम आओ आओ। Good morning. How are you feeling? Nice. How's the Josh? I hope it should be high. Today is your first lecture, so I'll be giving you a description about four modules of IELTS exam. Okay? And the four modules are listening, reading, writing, and speaking. Listening में आपको एक audio दिया जाएगा जो आपको सुनना है और दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दें। इन रीडिंग यू नीड टू रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चन। इन राइटिंग यू नीड टू राइट एन एसे ऑन अ गिवन टॉपिक एंड इन स्पीकिंग यू नीड टू स्पीक कंटिन्यूसली फॉर 2 मिनट्स ऑन अ गिवन टॉपिक एंड यू नीड टू स्कोर 6.5 और अबव आउट ऑफ 9 banks इन दिस एग्जाम। एंड बिलीव मी, दिस एग्जाम इज रियली मेसमराइजिंग। ओके, एनफ फॉर द डे। The main thing is that you need to score more marks in the exam, okay? So, let's start with introductions. By the way, I'm Joseph Kurian. Golu Kurian. And I'll be teaching you the 4 modules of IELTS examination. So, now, your turn. Who'll start? Yes, ma'am. My name is Sakshi Rawal. I'm doing B.Tech in Computer Engineering. I want to go... My name is Arjun Dikshit. B.A. kiya, usko English mein kya bolenge? I have completed bachelor's in arts. Ah, completed bachelor's in arts recently. Recently, kya baat hai yaar? Yeah, nice. But your sentence formation a little weak. You need to work on the variety of sentences. Okay, sit down. Who's next? Yes. Hi sir, my name is Raj Rajput, and I am pursuing my MBA from GLS College in HR Management. I love to explore new things. And I love music. Thank you. Good. Really good. Sit down. I expect great things from you. Okay? Who's next? Yes? My name is Rohit Chetty. My name is Rohit Chetty and I have completed my BCom. Father doing business, mother housewife. Thank you. Nice. But why do you lack confidence? Do not fear. Main sirf dikhta dara hu now. Woh nahi, okay? I won't kill you. अपने को ना सर को बोलना चाहिए कि मुझे एक्टिंग में करा था ना, वैसे एक्टिविटीज करा है। उससे क्या स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। बिल्कुल मेरी तरह। हट। Who's next? सर। यस। We'll continue in next lecture, okay? Okay, sir. क्या हुआ? मैं कितना गंदा इंग्लिश बोला यार। तू कम से कम बोला तो सही। अरे रिलैक्स गाइस, इट्स जस्ट लाइक अ फोनेटिसिज्म। हैं? रिलैक्स, कम डाउन। इधर सिंपल बोलने में फट जाते हैं मैडम, रोज ना लेके आती है। इंग्लिश इजी है, जस्ट लर्न ग्रामर एंड फोनेटिसिज्म। नहीं 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 नहीं। अच्छा मैं एक जोक सुनाती हूँ। अरे अच्छा है, सुनो। कोई बस किसी इंसान को कुचल देगी तो वो इंसान की आत्मा उस बस ड्राइवर को कौन सा सॉन्ग गाके सुनाएगी? पता नहीं। तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। तेरा बस मुझे जीने ना दे। लसन ऐसा जोक था।
अर्जुन तूने बताया था ना वो डांस ऑन द बीट्स उसके ऑडिशंस है दे आर आफ्टर 2 वीक्स कुछ सॉन्ग सजेस्ट करना पॉप होगा तो अच्छा रहेगा पॉप में मैं बताऊं ए राजा 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 करे जा मैं समझ नहीं था तुम तो तेरे परदेसी सत कैन निभाओगे हां बोल माइकल जैक्सन का थ्रिलर बीट अच्छे है यार काम करना चेन स्मोकर का क्लोजर ले ले Baby, pull me closer in the backseat of you. उसके भी बीट्स अच्छे हैं बाकी लिरिक्स में मुझे समझ में नहीं आता कुछ लिरिक्स में कुछ नहीं होता इट्स जस्ट पोनेटिज्म ए लसन बंद करना तेरा पोनेटिज्म तू भप अब शांति रखो ये सुन बीट इट बीट इट बीट इट बीट इट रू तेरा पकड़ा ए गाइस निकलो तो निकलो कल क्लास में कितने बजे का टाइम है हाँ वो ग्रुप में लिखा होगा लिखो 8 5 40 9 8 72 वेरी गुड सर अपने घर पे जाओ क्यों मुझे छोटा भीम देखने जाना है चिंटू अभी तो पढ़ना शुरू किया चिंटू अच्छा चलो ठीक है मगर एक एपिसोड देखने के बाद वापस सम्स करने पड़ेंगे ठीक है हाँ ओके ये लो पानी पीना पड़ेगा अब तो जेल में आना ही पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी मम्मा को परेशान क्यों करते हो सर मैं करता हूँ मैं अच्छा तो जेल में आना ही छोटा भीम बहुत पसंद है हाँ अच्छा तुम कौन हो इसमें से छोटा भीम तुम किसकी तरफ हो मुझे तो लगा तुम चुटकी हो छोटा भीम तो फिर ठीक है जगू मेरी पढ़ाई करना बहुत पसंद है हाँ। मुकाबला शुरू सबसे करते फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा इंग्लिश मेरे बिना ही मुकाबला शुरू कर रहे हो अच्छा ये बताओ बड़े होकर क्या बनोगे मुकाबले में शामिल कीबोर्ड प्लेयर तुम्हें आता है बजाना भीम और चुटकी के बड़े बड़ा होकर आपके जैसे बनना चाहता हूं निकलना होगा कीबोर्ड बजाना है अब तो महल के दरवाजों में भी फंस जाते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा कली ये कॉन्फिडेंस कैसे कह सकता है पुरानी मैच है जिसे हम पेंडा लगाकर देख रहे हैं हां बहुत शानो बहुत शानो बहुत शानो बहुत शानो ध्रुव बेटा नहीं ले दूं हां मम्मा नहीं ले दूं हां तू इतनी बात क्यों कर रही है तुझे बड़ा सुन ले सुन ले सुन ले हेलो अरे रिया हाँ नंबर चेंज किया तूने हाँ 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 क्या कर रहा है अरे आ अर्जुन बोल बोल तुझसे पूछ रहा था क्या कर रहा है सुसाइड तो साथ में करते हैं ध्रुव बोल मुझे पता है अभी भी तो अपने पॉकेट में 2 सिगरेट और 1 माचिस रखता है कांग्रेचुलेशंस याद है ना तूने मुझे और काव्या को प्रॉमिस किया है सिगरेट ना पीने का मैं क्या कुछ भी यार मैं तो ऐसा ही खड़ा था यहाँ पे चल अपने मैच देखते चल 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 ध्रुव बोल कुछ हुआ है क्या हाँ तू पका रहा ना तो सर घूम रहा है मेरा तुझे कुछ छुपाना नहीं आता तेरे हाथ में सिगरेट देख ली थी मैंने हाँ वे यार इच्छा हो गई थी बहुत टाइम के बाद अब ना पीऊंगा बस चल प्रॉमिस याद रखना हाँ चल पक्का अरे हाँ यार चल ना तू ए ए क्या क्या अरे दो लवर्स की फोटो खींच रही थी तेरा डांस कहां तक पहुंचा पहले बताओ क्या बात कर रहे डांस अरे मुझे बताओ क्या बात कर रहे अरे तू मेरे को बता डांस कितना बताओ यार
20 second ka dikha chal mere so this is the essay format that you need to follow and remember it's a very crucial part about your writing section so if you have any other doubts you can ask me sir yes what to do in this ये काव्या उधर क्यों बैठी है इधर आधा ऊपर से जा रहा है लड़कियों के दोस्त जल्दी बन जाते हैं साइड एक लड़की दोस्त नहीं मरे रे मैडम स्कोर पे स्कोर करी हे इंग्लिश पे ध्यान दे ओके सो नो वन एल्स हैज एनी अदर डाउट्स सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन स्पीकिंग रेडी एंड योर टॉपिक फॉर टुडे इज अ कैफे दैट यू विजिटेड यस ध्रुव सर मैं पूछ रहा था कि इसमें बोलना क्या है यू नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द कैफे दैट यू विजिटेड एवरीथिंग द एनवायरमेंट द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड ओके सिट डाउन नेक्स्ट सो हु विल स्पीक यस राज यस सर एक्चुअली वी ऑल रिक्वायर रिजनोवेटिंग पार्ट इन अवर लाइफ एंड कैफे अकम्प्लिशेस द टास्क Cafe is the place where we have a refreshing experience. And I want to talk about today when I went to La Vida Cafe with my best friend. We can also say Cafe. No, it's La Vida, La Vida, La Phapda, La Dhukda. It's La Vida Cafe. Have you ever been to La Vida Cafe? You have to offer different types of coffees every day. I have gone, but it's not like tea. This was the best experience I had. So, sir, what will you say? Very good, Raj. Sit down. Who's next? Yes, Dhruv. सर अगर कभी कैफे गए ही ना हो तो कभी नहीं गए तो एक काम करो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो सुनो समझो और फिर बोलो ओके सिट डाउन हूज नेक्स्ट मैं अपनी सेवा कैफे भी बोल ही सकते हैं मैं नहीं यार इज्जत जाएगी तो मैं बोलता हूँ यस अर्जुन सर कैफे आर इम्पोर्टेंट पार्ट I go in cafe with my friend Dhruv and Kavya. We go Seva Cafe, CG Road, and we drink tea and coffee. Sutta, sutta, bola, sutta. And relax. You can say it. And sorry, sir. Okay, no problem. Just join the grammar classes in the noon time, okay? Okay, sit down. Thank you, sir. Koi nahi be. Aisa to chai bola. Tension mat. Who's next? Sir. Yes. Sir, Hi. आप मशहूर टांगे वाली बसंती है ना? कुछ भी. साले तूने पांच ही दिन में पार्टी बदल लिया? तुझे जलन हो रही है? मैं क्या बोलता? मेरी भी सेटिंग करा ना. तेरी कोई फ्रेंड्स है देख तो अर्जुन ये क्या बोल रहा है क्या हुआ कुछ नहीं ए काव्या मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी कोई नई फ्रेंड्स है नहीं लेकिन इस लड़की से सेटिंग करा दे मैं कुत्ते बिल्ली से शादी कर लूँ पर तुझसे नहीं आई मीन मैं लड़का हूँ क्लास का प्रॉब्लम है चल यार प्रैक्टिस से हो जाएगा कम ऑन तुम आओ आओ मुझे यही नहीं पसंद इस पैरासाइट को इग्नोर कर चल चलते हैं तू पैरासाइट दुख रहा है यार हरामी चल